हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सुंदर सा पफ स्लीव डिजाइन बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले हम पेपर पर पैटर्न तैयार करेंगे। तो देखिए, मैंने पेपर को दो फोल्ड कर लिया है। मैंने अपनी स्लीव की लंबाई रखी है 5 इंच, 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे और मार्क कर लेंगे। मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से स्लीव की चौड़ाई रखी है 9 इंच, 4 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे पफ बनाने के लिए, तो 13 इंच पर इस तरह मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नॉर्मल स्लीव की तरह हम लंबाई से 2.5 या 3 इंच नीचे मार्क करेंगे और ऊपर से दोनों मार्क को मिलाते हुए हम आर्म होल का शेप दे देंगे। अब नीचे मोरी के साइड इस तरह से हम डाउन करेंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से सिंपल स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें हम डिजाइन बनाने के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए, सेंटर से राइट साइड 3 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब नीचे मोरी के साइड सेंटर से लेफ्ट साइड 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों मार्क को इस तरह शेप देते हुए मिला देंगे। तो देखिए, यहाँ थोड़ा सा गोलाई का शेप नहीं आया है, तो अच्छे से हम गोलाई का शेप दे देंगे और सेंटर से राइट साइड हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को भी अच्छे से गोलाई देते हुए ऊपर की तरफ इस तरह मिला देंगे। तो देखिए, हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब नीचे तरफ जो हमने मार्किंग की थी उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से डिजाइन बनाने के लिए हमारी पैटर्न तैयार हो चुकी है। देखिए कितना आसान है इसको बनाना। अब इसको हम मेन फैब्रिक पर और अस्तर पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसको कपड़े पर कटिंग कर लिया है। ये स्लीव का फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अब अस्तर को मेन कपड़े पर इस तरह से जमा करके इसको हम अटैच कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम नीचे रखेंगे अस्तर को, ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए दोनों को अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब फ्रंट पार्ट को लेंगे, इस तरह से अस्तर को नीचे रख के ऊपर में कपड़ा रखेंगे और इसको भी 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए अटैच कर लेंगे। सिलाई करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा दोनों भाग अस्तर पे अटैच हो चुका है। अब हम पफ बनाने के लिए चुनटे बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से जो हमने डाउन रखा है वो हमारी मोरी के साइड है, इसी साइड से हम चुनटे बनाना शुरू करेंगे। तो हम इस तरह से चुन्नट बनाते जाएंगे, 1/2 इंच की दूरी पर इस तरह से छोटी छोटी चुन्नटे बनाते जाएंगे। तो इसी तरीके से 7 या 8 चुन्नट बना के तैयार कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से। तो देखिए, मोरी के साइड की चुन्नटे बन के तैयार हो चुकी है। अब हम ऊपर के साइड यानी आर्म होल के साइड हम चुन्नट बनाएंगे। तो इसको भी हम सेम मोरी के जैसे उसी दिशा में रखते हुए चुन्नटे बनाते जाएंगे। अगर मेरी वीडियोस देखना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये डिज़ाइन पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो देखिए, इस तरह से हमारे दोनों साइड की चुन्नटे बन के तैयार हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से पफ बन के तैयार हो गया है। अब इसकी मोरी साइड हम लेस अटैच करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने समोसा डिज़ाइन का लेस लिया है, इसको हम उल्टा रखेंगे और इस पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारी लेस अटैच हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से अस्तर रखेंगे और इसको भी अंदाजे से सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल ऊपर रख के।
तो देखिए हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। अब इस पे हम कट लगाएंगे, बारीक बारीक छोटा छोटा कट लगाएंगे। ध्यान रहे धागा कटनी नहीं चाहिए। अब इस तरह से पट्टी को पलट करके इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। देखिए बिल्कुल किनारे किनारे इसकी हमें सिलाई लगाते जानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। देखिए जहाँ पर राउंड है वहाँ पर हम कट लगा लेंगे और इसको इस तरह से पलट करके इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इसी तरीके से तो देखिए बैक पार्ट पर इस तरह से हमारी लेस लग के तैयार हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट पर लेस लगाएंगे, तो इसके किनारे किनारे पर हम लेस लगा लेंगे। तो देखिए सेम उसी तरीके से हम इस लेस को भी उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। अब इसके ऊपर भी हम एक पट्टी रखेंगे और अंदाजे से सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे किनारे। अब इसके भी राउंड एरिया में हम छोटी छोटी कट्स लगाएंगे ताकि ये अच्छे से पलट सके। अब इसके ऊपर भी हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल किनारे किनारे पर इसी तरीके से हमको सिलाई लगा लेनी है। अब इसको हम एक और बार पलटेंगे और उसके भी किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हम कट करेंगे पहले, उसके बाद इस तरह से पलट करके बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट पर हमने लेस अटैच कर लिया है। अब हम इसको अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट पे हम बैक पार्ट को इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इसमें कितना अच्छा पफ बन के तैयार हो चुका है। अब हम स्लीव को सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। ये हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा कपड़ा है। यह एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए है क्योंकि हमने स्लीव की जो चौड़ाई रखी थी वो 13 इंच रखी थी। एक साइड तो हमने चुन्नटे बना ली, एक साइड हमारी नहीं बनी थी इसलिए एक्स्ट्रा रह गई। तो इस तरह से हम कटिंग करके इसके भी फ्रंट पार्ट में हल्की सी गहराई दे देंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से गहराई दे देनी है, तभी हमारी ये जो स्लीव है आर्म होल पे फिट बैठेगी और फिटिंग अच्छी आएगी। कटिंग करने के बाद इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये स्लीव डिजाइन बनके तैयार हो चुकी है। यह बहुत प्यारा लगता है, आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, जैसे मैंने बताया है अगर आप उसी तरीके से बनाते हैं तो ये बहुत सुंदर लगेगा और आसानी से भी बन के तैयार हो जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।